थे, वो तमाम सारे लोग जो बिखरे हुए थे एक बार फिर से आ गए हैं अपनी जगह, पहुंच गए हैं सब अपने अपने शो से कहीं से निपटाप के। बहुत बहुत स्वागत है, ये शो ही ऐसा है, आप कहीं भी रहें दिल तो आपका मेरे ही पास रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लौट के आ गए, बहुत बहुत स्वागत है सबका। बहुत दूर से लोग कुछ आज नए भी आए हैं, एक दो चीजें पूछ के सीधे शो पे लौटता हूं। अरोड़ा जी आपकी इजाजत है, थैंक यू सो मच जी। सर मैं कांग्रेस से पूछना चाह रहा हूं, उनको दूध पीना है या किसी भैंस का पीना है? जब प्रधानमंत्री जी चर्चा कराने के लिए तैयार है तो इस नियम में करनी है, उस नियम में करनी है, अमित शाह जी जो है ना बयान दे रहे हैं, तो उनको क्या दर्द हो रहा है? इसका मतलब ये साफ है कि चर्चा कराना ही नहीं चाहते। कहाँ से आना हुआ सर आपका? रोहिणी सेक्टर 24 से। रोहिणी सेक्टर 24 से दिल्ली से। जी भाई साहब कहाँ से आए? मैं बिहार से हूँ। बिहार से कहाँ से? मैं बांका जिला भागलपुर के आसपास। क्या बात है, बिल्कुल एकदम झारखंड के बिल्कुल बगल वाले डिस्ट्रिक्ट से हैं। जी बोलिए। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ, हमेशा लोग नेगेटिव क्यों बोलते हैं, एनडीए को क्यों बदनाम करते हैं या यूपीए जो भी हो, एनडीए को नेशनल डिफेंस एसोसिएशन क्यों नहीं कह सकते हैं? अरे भाई ये कैसे कह दे कि प्रतीक को बाबा जी क्यों नहीं कह सकते, बाबा जी को प्रतीक? अरे बाबा जी हैं, और प्रतीक जी हैं। अरे भाई आप देखो, रुक जाओ, बांका का तर्क बहुत जबरदस्त था, अब रुको भाई। कहाँ से आना हुआ सर? सर मैं रांची से हूँ। सर रांची से हैं, क्या नाम हो गया साहब? संजय कुमार सर। संजय जी कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, मैं पहली बार आपका शो देखने आया हूँ सर, और मैं ऑफिस से निकलते ही मिसेज से कहता हूँ भैया जी शो आने वाला है, खोल के रखो मैं आ रहा हूँ। तो आज यहाँ जब आप आए तो निराशा हुई होगी, बड़े बड़े महारथियों को देख के आपको तो निराशा ही होगी। कितना हल्ला, यहाँ कितना हल्ला मचाते हो, तुमको रोज रांची से देखने चला आ रहा है आदमी और तुम इतना हल्ला मचाते हो? नहीं, हल्ला नहीं सर, जो सच्चाई है वो आज खाओ कसम पकड़ो कान की, हाथ से हल्ला नहीं मचाएंगे, हाथ से हल्ला नहीं मचाएंगे। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे चिकने चुपड़े में पानी पड़े वो फिसल गया, अभी थोड़ी देर में चिल्लाओगे। नहीं नहीं सर बोलूंगा नहीं, लेकिन जो सच्चाई है वो तो बोलूंगा ही। तो चिल्ला क्यों बोलते हो, धीरे बोलो। अभी धीरे से ही बोल रहा हूँ। ठीक है बढ़कर, अभी जैसे इन्होंने कहा था एनडीए के बारे में और मणिपुर के बारे में, आपको पता है जब देश में प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय मणिपुर में उन्होंने एक पादरी को जो अपना सलाहकार बनाया, जो एक्स पादरी था, उस समय 1926 में 21 में उस समय वहां के जितने भी ये ईसाई समुदाय के लोग थे 4% थे, उस 2011 में कितने हो गए 44%। ये धर्मांतरण का जितना ज्यादा केस मणिपुर में चला हुआ है उस पर राम मनोहर लोहिया जी ने पंडित नेहरू को फटकार लगाई थी, और ये सारी पार्टियां जाती है। आप पहले अपनी कमी को देखिए, दूसरी बात एनडीए की बात करते हो आप। भाई देखो भाई, हाँ जी कैसी उच्ची बोल बड़े भी तो सॉरी बोले तो नहीं बोलूंगा। हाँ तो यही तो है, सब भूल जाते हैं। मैं आया महाराज जी। सर कुछ कहिए। सर मेरा ये कहना था कि जितने मैं प्रवक्ता लोगों का सुनता हूँ सर, ये गांव में बड़ा मैसेज ठीक नहीं जाता है। मैसेज ठीक नहीं जा रहा? बिल्कुल नहीं सर, आपका प्रोग्राम बड़ा फेमस है, लेकिन भैया लोग कभी बोलते हैं, माननीय हमारे जितने नेता लोग हैं, कभी बोलते हैं टमाटर इतना महंगा है, कभी बोलते हैं कि मणिपुर पर चर्चा करनी है। सार्थक यदि बहस करना है संसद में तो गांव के लोग भी जानते हैं कि क्या सार्थक बहस होना है। आप लोग जितना भी करिए, लेकिन गांव का लोगों का मन है कि किसको वोट देना है, क्या करना है, पहले से तय हो। रुकिए भाई, अब काम की बात करने दीजिए, बड़ा ऑपरेटिव पोर्शन आ गया, सारी माथा पच्ची। 24 का तय हो गया अभी से? तय है सर, गांव के हम लोग कोल माइंस में, मैं हूँ सर, गांव के लोगों से मुलाकात होता रहता है, लोग यही कहते हैं कि सार्थक बहस नहीं हो रही है। अच्छा आज अच्छा टमाटर पे लोग बहस चाहते हैं? बिल्कुल सर चाहते हैं, लेकिन जो सच्चाई यहाँ है वो नहीं लोग बोला जाता है यहाँ से। कहीं टमाटर 20 रुपया है, कहीं 50 रुपया है, कहीं 100 रुपया भी होगा, लेकिन लोग जानते हैं कि सीजनल खेती है। इस समय बाढ़ आई हुई, कहीं बारिश है, सारे थान बह गए खेत के, तो हकीकत तो ये है। टमाटर से कहते कहते बात कहाँ तक चली जाती है, और मुस्कुराहट में सारी कहानी समझ में आ जाती है, सारी कहानी। मैं तो लगाए हुए था माइक, देखे भैया कहाँ तक जाते हैं, और उन्होंने टमाटर के बहाने पूरा चित्रण खींच दिया 24 का। कहाँ से आना हुआ बाबू जी? हम दिल्ली से है। अच्छा दिल्ली के ही रहने वाले खास? मैं बिहार से हूँ। तो मुझे पता चल गया था आप यहाँ दिल्ली के खास रहने वाले नहीं है। तो बिहार में कहाँ से? मैं हाजीपुर से हूँ। हाजीपुर से, वाह केला दुनिया में मशहूर है हाजीपुर का। मशहूर है हाजी। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं ठीक है। तो बिहार में क्या होगा इस बार? अब देखिए क्या होता है। हाँ इतनी जल्दी पत्ते नहीं खुलते हैं। जी मैं आया, पांडे जी से पूछ लें एक बार। जी बोलिए पांडे जी। हमारे भाई साहब कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी से क्यों पूछते हैं, 3 दिन गृह मंत्री जी मणिपुर रह के आए, एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, नहीं दर्ज हुई थी, और गृह मंत्री जी का ही फेल्योर है, इसलिए एज ए गार्जियन प्रधानमंत्री जी से ही प्रश्न खड़ा करना बनता है पहली बात।
और दूसरी बात, बहुत शर्मनाक घटना है मणिपुर की भी और हरियाणा की भी। हरियाणा में जो घटना घटित हुई है, दो मंत्री हैं, एक राव इंद्रजीत जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कह रहे कोई साजिश नहीं है। दूसरा मंत्री गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज जी कहते हैं बहुत बड़ी साजिश है जी। पहले खुद को क्लियर कर ले फिर विपक्ष पर सवाल करने का प्रयास। बिल्कुल ये तो बात सही है, लेकिन एक सवाल यह भी बनता है, वीडियो के छाया होने में, पांडे जी वीडियो कब हुआ, घटना कब हुई और कब छाया हुई, छाया मतलब वो कब प्रकाशित हुई, उजागर, बहुत अच्छा शब्द है, उजागर कब हुई, थैंक यू पत्रकार भाई, उजागर कब हुई, कब घटना है, कब उजागर हो रही है, रिपोर्ट कब दर्ज हो रही है, कौन लोग वहां पर मौजूद हैं। सीबीआई ने 7 एफआईआर किए, शायद 6 थी, एक और हो गई एफआईआर, 7 एफआईआर हुई हैं, और बिल्कुल और निश्चित तौर से ऑफकोर्स और बड़े बड़े चीजें निकल के आनी चाहिए, और बहस हो तो हम तो चाहते कि पार्लियामेंट में बहस और वो चीजें निकल के सामने आए, कांग्रेस अंदर बीजेपी। प्रतीक जी ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है, और मैं ये उल्टा प्रश्न आपके माध्यम से इस देश के मीडिया वर्ग से कर रहा हूं, जो सुबह से शाम तक सीमा हैदर चलाता है, उसे ये नहीं पता कि मणिपुर हमारा ही देश का राज्य है, हमारे ही देश के राज्य में महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार अन्याय हो रहा है, और इतने दिनों के बाद उजागर क्यों हुआ इस पर भी प्रश्न। अरे भाई देखो, सीमा का तो मामला ये है कि मोहब्बत में गिरफ्तार हुई, यहां आ गई, सीमा का तो ये मामला, अब वो पगला गए तो मैं क्या करूं, लेकिन मैं बात आपकी ये बात कहता हूं, लेकिन आपको तो उठाना चाहिए था कि आज मुंह तड़के उठ के राहुल गांधी सब्जी मंडी चले गए थे, ये तो आपने नहीं उठाया, आपको बोलना चाहिए था, यह बात कहनी चाहिए थी, ऑफकोर्स कहनी चाहिए। भाई मैं आ रहा हूं जी दत्ता जी, इसे कहता है व्हाइट वॉशिंग, ये मणिपुर पे गए, नू पे चले गए, बंगाल इनको दिखाई नहीं दिया, राजस्थान दिखाई नहीं दिया, छत्तीसगढ़ दिखाई नहीं दिया, बिहार नहीं दिखाई दिया, अरे बंगाल में महिला एक तरह से उसका व्रत हरण होता है, वो महिला नहीं है, दलित बेटी का सामूहिक बलात्कार होता है राजस्थान में, वो महिला नहीं है। मैं कहता हूं इन लोगों की सद्बुद्धि के लिए, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपे नमस्तिता, नमस्तस्वै 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 नमो। नहीं कोई मंत्र नहीं पढ़ेगा, दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, सार्वजनिक स्थलों पे नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है ना बाबू जी। अरे रुकिए ब्राह्मण देवता, चुप रहिए महाराज, कहां से आना हुआ? हम प्रतापगढ़ से आए हैं। अरे गंगा जी के तीर से आ गए, जय हो प्रभु जी, कैसे